इफ्तार का वक्त है, दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आइए हमारे साथ हाथों को उठाइए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन फुतिहत लहू अबवाबुद्दुआ फुतिहत लहू अबवाबुल इजाबा, कि अल्लाह ताला जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खोलता है उसके लिए कबूलियत के दरवाज़े भी खोल दिए जाते हैं। اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله اللهم إنا نسألك بأنك أنت الرحمن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الرحيم بأنك أنت الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم بحق شهر رمضان طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب كريم يا أرحم الراحمين हम एक मरतबा फिर अपने गुनाहों से आलूदा वजूद अपने हाथ लिए तेरी बारगाह में हाजिर है। ए रब्बे करीम, हम तुझसे गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। आज 17वां रोज़ा गुजरने को है। या इलाहा आलमीन, मैदान बदर की कैफियात हमारे सामने है। तुझे तमाम शुहदाए बदर का वास्ता। इस रात में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे दुआएं तेरी बारगाह में की थी, मौला करीम उन आंसुओं का वास्ता, उन दुआओं का वास्ता। या इलाहा आलमीन, हमारे हालात ठीक फरमा दे। या इलाहा आलमीन, हमें गुनाहों की जिंदगी से निकाल कर नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा दे। अपने और अपने प्यारे महबूब का इताअत गुजार बना दे। अपने महबूब का सच्चा उम्मती बना दे। या इलाहा आलमीन, हमें कुरान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमा। हमारे जाहिर बातिन को पाकीजगी अता फरमा। या इलाहा आलमीन, रोज़ेदार अब इफ्तार करने वाले हैं, तेरी बारगाह हमें इस वक्त कितने तेरे बंदे और बंदियों ने अपने हाथों को उठाया है। या इलाहा आलमीन, इनमें से जो तेरे नेक हैं उन नेकोकारों का वास्ता, मौला करीम सबकी खैर फरमा दे, सबका भला फरमा दे। या इलाहा आलमीन, कोरोना वायरस के डर से, इसके खौफ से हम सबको निजात अता फरमा। जो बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटल्स में, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। बे औलादों को नेक और सालेह औलाद नसीब फरमा। जो औलाद की नफरमानी का शिकार है मौला, उनकी औलाद को नेक और सालेह बना दे। या इलाहा आलमीन, बेरोजगार हैं तो ये हलाल रोजगार नसीब फरमा। गैब से रोजी अता फरमा। कर्जदार है, देने की इस्तेआत नहीं, कितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा। या इलाहा आलमीन, गैब से
उनके कर्जों को अदा फरमा। रिस्क की तंगी का शिकार है मौला, गैब से उन्हें रिस्क हलाल नसीब फरमा। जो रिश्तों के सिलसिले में परेशान है अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को अमन अता फरमा। इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाजी अब्दुल रऊफ साहब, हाजी जान मोहम्मद साहब, हाजी इकबाल साहब, सलमान भाई, महबूब भाई, याकूब भाई, शुएब भाई, इन सब पर, इनकी तमाम फैमिली पर करम फरमा। वसीम भाई को और हिम्मत अता फरमा। अशरफी भाई को सेहत नसीब फरमा। तमाम नातवानों को और हिम्मत अता फरमा। या इलाहा आलमीन, हमारी एक एक दुआ पर फरिश्तों की आमीन फरमा। गिरदे मन, गिरदे खानाए मन, गिरदे जनो फरजंदाने मन, गिरदे मालो दोस्ताने मन, तू हिसार व हिफाजत में शवी, तू निगहदार बाशी। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमत। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मौतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। हे अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلهي تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں یا الہی یہ سائل تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان فقرا نے تیری بارگاہ میں پناہ لے لی ہے. مسکینوں کا سفینہ مراد ٹھہر گیا ہے تیرے ساحل جود و کرم پر. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بڑھ کر تیری بارگاہ رحمت و نعمت تک پہنچ جائیں. تو اے اللہ, اب اس دوسرے عشر کی اختتامی گھڑیوں میں کہتے ہیں کہ اگر تو اس محترم مہینے میں صرف ان پر رحم کرے گا جو اپنے سیام و قیام و درود و سجود و سلام میں مخلص ہوں, تو اس گناہگار و تقصیر وار کا کیا ہوگا جو اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. خدایا, اگر تو صرف اطاعت گزاروں پر رحم کرے گا تو معصیت کاروں کا کیا ہوگا؟ اگر تو صرف با عمل افراد کے اعمال قبول کرے گا تو کوتاہی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ خدایا, روزے داروں نے فائدہ کما لیا, نمازیوں نے کامیابیاں حاصل کر لی, مخلص نجات پا گئے, اب ہم تیرے گناہگار بندے باقی رہ گئے ہیں, تو ہم پر بھی مہربانی کر دے, اپنے اف سے ہمیں بھی آتش جہنم سے آزاد کر دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے اپنی رحمت سے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. بارِ الٰہ, ہمیں تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا ہے نہیں, اب تیری قوت اور تیری رحمت ہی پناہ دے تو دے, اور تیرے یہاں کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے نہیں, اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے. مائک جی جی معاف کری چاسائیاں بول جو مدڑا بولے بے حد ڈاٹا تے میں ککھوں بولے اللہ معاف کرے چا سائیاں بول جو مدڑا بولے تو اے بے حد ڈاٹا تے میں ککھوں بولے کر دے دور بلاوا صدقہ شاہ مدینہ نہیں میں جوگی نہیں میں مینو ازما بینا صدقہ شاہ مدینہ نہیں میں جوگی نہیں میں مینو ازما بینا جند بھک بھک روئی اور عرض نہ کوئی جند بھک بھک روئی اور عرض نہ کوئی جڑی پل میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کرنا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف مولا ہمارے گناہوں نے ہمیں ہراساں کر دیا ہے, اب تیرا عفو درگزر ہی ہمیں مطمئن کرے تو کرے. یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے ناواقف ہیں,
और अपनी गुज़िश्ता बदकिरदारियों को फरामोश कर चुके हैं, नहीं बल्कि इसलिए कि तेरा आसमान और जो उसमें रहते हैं और तेरी जमीन और जो उस पर आबाद है, हमारी निदामत को जिसका हमने तेरे सामने इजहार किया है, हमारी तौबा को जिसके जरिए हमने तुझसे पनाह मांगी है, सुन ले, ताकि तेरी रहमत की कार फरमाई की वजह से किसी को हमारे हाल ज़ार पर रहम आ जाए या हमारी परेशान हाली पर किसी का दिल पसीजे तो हमारे हक में वो दुआ कर दे जिसकी तेरे हां हमारी दुआ से ज्यादा सुनवाई हो, या कोई ऐसी सिफारिश हासिल कर ले जो तेरे हां हमारी दरखास्त से ज्यादा मुअस्सर हो, और इस तरह तेरे गजब से निजात की दस्तावेज और तेरी खुशनुदी का परवाना हासिल कर सके। ऐ अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में निदामत तो पशेमानी ही तौबा है, तो हम पशेमान होने वालों में सबसे ज्यादा पशेमान है ऐ मौला। को दुख नल मर जावा मैं, ऐने दुख ने को दुख नल मर जावा मैं, नजर करें ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं। अल्लाह, ऐने दुख ने को दुख नल मर जावा मैं, नजर करें ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं। की करा कोई राख नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू, मेरे चार चुपेरे होए दुखां दे हनेरे, मेरे चार चुपेरे होए दुखां दे हनेरे, खुण कर दे सवेरे मौला माफ करी तू, मौला माफ करी तू, मौला अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी तू ऐ मौला। अगर तेरी बारगाह में निदामत व पशेमानी ही तौबा है तो हम पशेमान होने वालों में सबसे ज्यादा पशेमान है। ऐ मौला, अगर तरके मासियत ही तौबा व इनाबत है तो हम तौबा करने वालों में अव्वल दर्जे पर हैं। ऐ मौला, अगर तलब मगफिरत को जायल करने का सबब, अगर तलब मगफिरत को जायल करने का सबब है तो मगफिरत करने वालों में से हम एक हम भी हैं। खुदाया, जब तूने तौबा का हुक्म दिया है, जब तूने तौबा कबूल करने का जिम्मा लिया है और दुआ पर आमादा किया है और कबूलियत का वादा फरमाया है, तो हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें अपनी रहमत से नाउम्मीदी के साथ न पलटा, क्योंकि तू गुनाहगारों की तौबा कबूल करने वाला है, रुजू होने वाले खताकारों पर रहम करने वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी उम्मीद ये है कि तू हमें अपनी रहमत अता फरमा जिसके हम उम्मीदवार हैं, और उस चीज से मुतमईन कर दे जिससे खायफ हो, और अपनी रहमत के इनाम से हम पर एहसान फरमा, इसलिए कि तू उन तमाम लोगों से जिनसे सवाल किया जाता है ज्यादा सखी है, ज्यादा करीम है। ऐ अल्लाह, जबकि तूने हमें अपने दामने अफ में छुपा लिया है और हमसरों के सामने इस दारे फना में फजल व करम का जामा पहना दिया है, तो दारे बका की रुसवाइयों से भी पनाह दे दे अल्लाह। Allah, Allah.
جزاک اللہ جزاک اللہ.